सो हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका और एक ब्रांड न्यू और इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो यार मेक श्योर कि आप लोग वीडियो एंड तक जरूर देखो, क्योंकि मैं आज कवर करने वाला हूँ कैसे आप लोग काइनमास्टर के मदद से डोप टेक्स्ट रिवील का इंट्रो जो है क्रिएट कर सकते हो अपने स्मार्टफोन से। और यार मैं एक और चीज़ ऐड ऑन करूँगा, ये वाला टॉपिक मेरा एक सब्सक्राइबर भाई ने मेरे को सजेस्ट किया, तो यार थैंक यू टॉपिक सजेस्ट करने के लिए। अगर आप लोग भी चाहते हो कि ऐसे ही मैं आप लोग की टॉपिक्स में वीडियो बनाऊँ, तो यार मेक श्योर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। और वीडियो आज का कैसा लगेगा नहीं लगेगा वो भी कमेंट करना। अगर बंदे नए हो यार आप इस चैनल में तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। तो यार आज का वीडियो स्टार्ट कर दे बिना टाइम गवाए। ओके सो यार इसके लिए आप लोग को लगेंगे टोटल दो एप्लीकेशन, एक है पिक्सल लैब, दूसरा है काइनमास्टर। आपको सिंपली पिक्सल लैब को सबसे पहले कर लेना है ओपन, और जो है बाय डिफॉल्ट कुछ इस टाइप का देखने को मिलता है। देन आपको जाना है इमेज साइज में, इमेज साइज में जाने के बाद आप लोग को सिलेक्ट करना है यूट्यूब थंबनेल। और यार यूट्यूब थंबनेल आप लोग जैसे सिलेक्ट करते हो उसके बाद आपको जो है बाय डिफॉल्ट जो टेक्स्ट रहता है उसको डिलीट करना है। और सिंपली मैं जैसे शो कर रहा हूँ वैसे ही कुछ आप लोग को ब्लैक बैकग्राउंड सिलेक्ट करना है, और जो आपका चैनल का नेम है उसको आपको सिंपली टाइप करना है। ओके अभी मैं यार इसको कर लेता हूँ अच्छे से, मतलब एडजस्ट। तो मैं अभी इसका साइज़ जो है इंक्रीज़ कर रहा हूँ जैसे कि आप लोग देख सकते हो। एंड साइज़ इंक्रीज़ करने के बाद सिंपली मैं कर लेता हूँ इसका जो है बोल्ड कर लेता हूँ। आप लोग चाहो तो कर सकते हो, नहीं चाहो तो नहीं भी कर सकते हो। ओके सो अभी चलता हूँ मैं फॉन्ट में, और फॉन्ट में माई फॉन्ट्स में जाना है। फिर मैं इधर सिलेक्ट करता हूँ अमेरिकन फॉन्ट, जो कि मैं अमेरिकन कैप्टन वाला फॉन्ट, ये आप लोग गूगल से सिंपली डाउनलोड कर सकते हो और उसके बाद अप्लाई कर सकते हो। ओके और वैसे भी मेरे सब्सक्राइबर लोग बहुत स्मार्ट है तो वो लोग इजीली कर लेंगे, तो उसमें दिक्कत नहीं है। सो अभी मैं इसका साइज़ जो है इंक्रीज़ करके मतलब एडजस्ट कर देता हूँ अपने हिसाब से, और इसको मतलब सिलेक्ट कर देता हूँ। ओके और अगर चाहो आप लोग 3D वगैरह वो भी जो है मतलब दे सकते हो। अभी इसको मैं सिंपली सेंटर पोजिशन में जो एडजस्ट कर देता हूँ, और जैसे कि मैंने बोला 3D टेक्स्ट वो लोग चाहो तो अगर आप लोग एडजस्ट मतलब अपने हिसाब से लगा सकते हो, बट मेरे को वो ऐसा पर्सनली कुछ खास नहीं लगता तो मैं उसको रहने देता हूँ। और ट्रांसपेरेंट में क्लिक करना तो आपका इमेज जो है PNG फॉर्मेट में चला जाएगा। अब आपको करना है सेव एज इमेज, और उसको जाने के बाद कस्टम में आपको अल्ट्रा में सिलेक्ट करके सेव टू गैलरी करना है। अब आपका सेकंड प्रोसेस स्टार्ट होता है जिसमें आपको काइनमास्टर कर लेना है ओपन, और काइनमास्टर ओपन करने के बाद 16:9 का फ्रेम में आपको ये सिलेक्ट करना है। देन जाना है आपको बैकग्राउंड में, बैकग्राउंड में जाने के बाद ब्लैक बैकग्राउंड आपको एक सिलेक्ट कर लेना है जैसे कि मैं अभी कर रहा हूँ। और यार आपका जितना सेकंड का मतलब होने वाला इंट्रो उसके हिसाब से आप लोग को ये एडजस्ट कर लेना है। ओके सिंपली जैसे कि मैंने अभी सिलेक्ट कर लिया। और यार आप लोग को जाना है मीडिया फाइल में, और आप लोग का जो पिक्सल लैब से आप लोग ने इंपोर्ट किया था इमेज उसको इधर सिलेक्ट करके ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना है। और यार ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद इसका भी जो है ड्यूरेशन सेम रहना चाहिए एज कंपेयर टू द बैकग्राउंड। और अभी जाना है आपको सिंपली कर लेना है इसका कलर को रेड कर लेना है बैकग्राउंड का। क्यों करना है वो भी मैं बता रहा हूँ, आप लोग सिंपली फॉलो करो, और यार ये बहुत ही ज़्यादा सिनेमेटिक और ढांसू लगने वाला है। ओके सो अभी आप लोग को इसको कर लेना है ब्लैक और सिलेक्ट कर लेना है पेंसिल, हैंड राइटिंग वाला जो टूल है उसमें। और पेंसिल सिलेक्ट करने के बाद यार आप लोग को क्या करना है, सिंपली जाना है और ओपेसिटी वगैरह जो है ना, ओपेसिटी हार्डनेस जो भी है उसको आपको सिंपली क्लिक करना है। और यार जैसे कि मैं अभी शो कर रहा हूँ अभी पेंसिल मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, और पेंसिल सिलेक्ट करने के बाद कुछ इस टाइप से आप लोग को जो है ओपेसिटी वाले ऑप्शन में सिलेक्ट करके हार्डनेस जो है एकदम फुल करना है, और कुछ इस टाइप से आप लोग को ड्रॉ करना है जैसे कि मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके तो आप लोग कुछ इस टाइप से ड्रॉ कर लेना है, और जो फाइनल आउटपुट है वो कैसा है मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ओके You stole my heart of gold after my silver soul. Can you dig any deeper? ओके सो यार कुछ इस टाइप का ड्रॉ कर लेने के बाद आप लोग को जो है अभी बैकग्राउंड फिर से ब्लैक कर देना है। यू मैंने रेड क्यों किया था वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, बिकॉज यार जो ड्राइंग है ये भी ब्लैक कलर में था और बैकग्राउंड भी ब्लैक, तो इसमें समझ में नहीं आता कि आपका जो ट्रांजिशन जो एनिमेशन आप देने वाले हो वो कहाँ पर है कहाँ पर नहीं है। सो इसीलिए मैंने इसको बैकग्राउंड को रेड किया था। और कुछ आप लोग को चाबी का ऑप्शन देखने को मिलेगा उसको आपको क्लिक करके फिर जो है अब हम लोग हैंडराइटिंग वाला जो हम लोगों ने किया है उसमें थोड़ा एनिमेशन देंगे, और आप लोग को कुछ इस टाइप से मतलब ड्रैग करना है जैसे कि मैं अभी शो कर रहा हूँ। सिंपली इसको यार एकदम स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना तभी आपका जो है स्मूथ एक ट्रांजिशन और एनिमेशन जो भी कह लो आप लोग वो बनने वाला है, अदरवाइज यार थोड़ा सा भी गड़बड़ होता है तो दिक्कत आ सकती है। ओके सो आप लोग को कुछ इस टाइप से मतलब जैसे मैं शो कर रहा हूँ वैसे आप लोग को सिंपली फॉलो कर लेना है। और जो लास्ट में आप लोग को मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा रहा हूँ सो आप लोग देखो।
और यार ये होने के बाद आप लोग जो है अपना चैनल किसके बारे में कौन सा टॉपिक को वो कवर करता है, मैं अभी जस्ट लिख दे रहा हूँ अभी टेक एडिटिंग और ट्यूटोरियल्स, तो मैं अभी इसको कर लेता हूँ और अपने हिसाब से जो एडजस्ट कर लेना है एंड देन कोई सा भी एक फॉन्ट सेलेक्ट करके और एनिमेशन वगैरह बैठा देना है आपको सिंपली जो मैं कर रहा हूँ और कुछ इस टाइप का लो एक आपको मतलब देखने को मिलेगा। सो आप लोग रेडी हो जाओ यार एकदम आउटपुट देखने के लिए विद म्यूजिक। सो देखो अब Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along and see it's true.